उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों की आज हड़ताल है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा इन लोगों की तरफ से की गई है। 27,000 कर्मचारियों की हड़ताल से काम निश्चित रूप से प्रभावित होगा। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे ये पंचायत सहायक और जिला कलेक्टर्स को सीएम के नाम दरअसल ज्ञापन भी सौंपेंगे। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर ये पंचायत सहायक कहीं ना कहीं हड़ताल पर निकलने की बात कर चुके हैं। जिला मुख्यालयों पर तमाम जो पंचायत सहायक हैं वो जुटेंगे और प्रदेश के पंचायत सहायकों की दरअसल आज हड़ताल की वजह से कितना काम प्रभावित हो सकता है इसको समझना मुश्किल नहीं है। अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 27,000 ये पंचायत सहायक हड़ताल से जुड़े हैं। मीडिया संवाददाता आशीष चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कभी भी अगर प्रदर्शन होते हैं, हड़ताल होती है, तो इससे सबसे बड़ी चिंता होती है प्रशासनिक अमले की और शासन की। तो ऐसे में जब बजट में किए गए प्रावधानों से पहले ही कहीं ना कहीं जब हड़ताल खत्म करवाने की तरफ सरकार बढ़ पाई, कुछ लोग माने, बेरोजगार मान रहे हैं, अब पंचायत सहायकों को कैसे मनाएगी सरकार, क्या कुछ खाका इसके लिए, क्योंकि आज हड़ताल की जो इन्होंने घोषणा की उससे काम बहुत प्रभावित होने वाले हैं। देखिए, सरकार ने पहले ही नियमितीकरण के लिए मना कर दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटारे ने साफ तौर पर विधानसभा में ये कहा था कि पंचायत सहायकों को फिलहाल नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में आज तमाम जो ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सहायक है वो आज हड़ताल पर रहेंगे। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि पंचायत सहायकों को नियमित किया जाएगा। इसी विरोध में आज तमाम पंचायत सहायक हड़ताल पर रहेंगे, अवकाश पर रहेंगे, जिससे तमाम जो पंचायतें हैं उसमें कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहने वाला है। क्योंकि पंचायत सहायकों का काम होता है शिक्षा और पंचायतों में जो तमाम काम होते हैं उनमें पंचायत सहायकों की अहम भूमिका रहती है। लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। सरकार के जो कांग्रेस के घोषणा पत्र था उसमें भी इस बात का जिक्र था। इसी विरोध में आज तमाम पंचायत सहायकों की हड़ताल रहेगी। इससे पहले भी पंचायत सहायकों ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था। वे सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के रूप में वे जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। और आज हड़ताल पर जाकर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वे जब तक आंदोलन जारी रखेंगे तब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता। उनकी एक ही मांग है कि उन्हें निश्चित तौर पर नियमित किया जाए, क्योंकि तकरीबन 12 से 14 साल उनको हो गया है ज्वाइनिंग करे हुए, लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।